बैठ करके आप पढ़ोगे कुछ दुआ और अस्कार। अच्छा, मैं लॉन्ग नहीं बता रहा हूं, मैं शॉर्ट बता रहा हूं, जो आप बच्चे इजिली कर सकते हो। ये दुआ पढ़ने से क्या फायदे होंगे वो भी मैं बताता हूं। पहले बताओ कि किसे आयतुल कुर्सी पता है? मेरे को पता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, पूरा याद है? अगर आप आयतुल कुर्सी सोने से पहले पढ़ोगे तो क्या फायदा आपको मालूम है? अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे, गार्ड करेंगे, और शैतान आपके करीब भी नहीं आ सकता है। शैतान आपके करीब नहीं आ सकता। आपको क्या चाहिए? शैतान करीब चाहिए? सोते टाइम पे आप सो रहे हो तो शैतान करीब चाहिए, दूर चाहिए? दूर चाहिए। नहीं चाहिए शैतान करीब? नहीं चाहिए। तो शैतान करीब नहीं आ सकेगा। फर्स्ट थिंग याद रहेगा, आयतुल कुर्सी। और अगर आप तीन कुल पढ़ेंगे, तीनों कुल पता है? पहले कुल से आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो। पहले आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर कुल अल्लाहु अहद से स्टार्ट करो। कुल हुवल्लाहु अहद से स्टार्ट करो, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। तीन बार नहीं हो सकता तो एक बार, लेकिन बेटर है तीन बार। और पढ़ के हाथ पर दम करना। दम करना किसे बोलते हैं मालूम है? हाँ, क्या? फूकना। फूक के साथ स्लाइटली, थोड़ी सी स्लाइटली हवा में थोड़ी सी थूक होती है। हाथ पे दम करो और दम करके फेस पे रब करो। करो, करके बताओ। फेस पे रब करो, फिर हेड पे रब करो, फिर हेड है ना, फिर बॉडी पे रब करो। अरे गिरो मत। बॉडी पे रब करो, फिर बॉडी जहां तक पहुंच रहे हो। बैक पे रब करो, जहां तक तुम्हारी बैक पहुंच रही है। हाथ पे रब किए, हैंड्स पे रब करो। ये क्या हो गई? आपकी बॉडी का प्रोटेक्शन हो गया। हाँ, और अगर आप सूरतुल बकरा की लास्ट टू वर्सेस मालूम है आपको? आमन रसूल बिमा उन्ज़िल इलैही मिन रब्बिही वल मुमिनून। अगर ये जो दो लास्ट वर्सेस है ना, अगर आप याद कर लोगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आपको बाकी चीजों में काफी हो जाएंगे, मतलब सफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये भी दो चीजें हैं। अब देखो क्या है, आप लोग सुन लो। आज तीन चीजें सीखे। क्या तीन चीजें? आयतुल कुर्सी, तीनों कुल, कितनी बार? तीन बार, फिर एक बार। अगर तीन, कभी बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो कम से कम एक बार पढ़ लो, नहीं तो तीन बार बेटर है। हाँ, और उसके बाद में आमन रसूलु याद करो, इंशाल्लाह याद करो, और रात में सोते टाइम पे एक बार पढ़ो, बाकी चीजों में से काफी होगा। बॉडी पे आपने दम किए, अब आप सोते टाइम की दुआ नीचे जाके पढ़ेंगे। नीचे जाइए सोने के लिए। सोने के आदाब यह है, आप अपना राइट हैंड अपने सर के नीचे रखेंगे, और सर में कौन सा हिस्सा, हमें एक और हदीस से पता चलता है, गाल का हिस्सा, यानी थोड़ा सा नीचे। हाँ, यस, करके आप राइट साइड पे सोएंगे। कौन सी साइड पे? राइट साइड। हाँ, राइट साइड पे सोना हमें मिलता है, और चादर ओढ़ के सोना बेहतर है। हाँ, अगर आपको गर्मी लग रही है तो अलग बात है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हदीसें मिलती है, और ये सतर और पर्दापोशी के एतबार से भी, कवर करने के एतबार से भी अच्छा है। हाँ, तो चादर ओढ़कर सोना बेटर है। हाँ, और हम ये देखते हैं कि अगर बच्चा बड़ा हो, आपकी उम्र कितनी है? हदीस है अबू दाऊद में, जो बच्चे 10 साल के हो जाएं उसके बाद एक मैट्रेस नहीं हो सकती, अलग गदीला अलग मैट्रेस होना जरूरी है। कितने साल के बाद? 10। उससे पहले में कभी करीब भी हो जाए, बाजू में टच भी हो जाए मैट्रेस, हाँ, तो भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 साल के हो गए तो अलग। ओके, इंशाल्लाह। अभी सो गए, क्या दुआ पढ़े सोने से पहले? सोने से पहले दुआ पढ़ेंगे, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमुतु वाहिया। वाहिया कौन तर्जुमा बताएगा, मीनिंग कौन बताएगा? अल्लाह बिस्मिका तेरे नाम से, अमुतु मैं सोता हूँ, वाहिया और मैं जागता हूँ। किसके नाम से सोते हैं? अल्लाह के नाम से सब काम करते हैं, खाते हैं अल्लाह के नाम से। हाँ, कपड़े उतारने से पहले से भी, घर में जाने से पहले भी बिस्मिल्लाह, और सोते टाइम पे भी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया, मैं मरता हूँ। हाँ, वाहिया और मैं जिंदा होता हूँ। अमूतु मतलब मरना। पता है आपको, मरते हैं तो बॉडी में से रूह चली जाती है। हाँ, जब सोते हैं तो भी बॉडी में से रूह जाती है अल्लाह के पास, फिर वापस आती है। हाँ, अमूतु वाहिया, मैं मरता हूँ और जिंदा होता हूँ। हमें जिंदगी किसने दी? अल्लाह ने। और मौत कौन देगा? अल्लाह देगा। हाँ,
सब कुछ किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। बस इतना सा करके हम सो गए तो हमारे पास प्रोटेक्शन हो गया। एक और दुआ है, अगर आप सीख सको तो सीखिए। सही मुस्लिम में हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सोने से पहले दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फवत्तु अम्री इलैक वलजअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल लज़ी अनज़लत व बिनबीकल लज़ी अरसलत। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड माशाल्लाह। जो ये पढ़ के सोएंगे और अगर इंतकाल उस रात में हो गया तो फितरत पे इंतकाल होगा, फितरत पर। चलो सो गए, अब हम उठने के आदाब देखेंगे। उठने के अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।